Assalamu alaikum. My name is Rahat Jabin from the Division of Arts and Social Sciences. I am from University of Education, Lower Mall Campus, for the subject of History of Western Art. The topic for today's lecture is Cubism. It started between 1906 and ended in 1990. When we talk about Cubism, ki baat karte hain, this is one of the movements that was a prominent movement at that time, pe jitne bhi modern movements are. This one is also a modern movement. तो जो था वो इनके जो आर्टिस्ट थे वो भी प्रोमिनेंटली फेमस थे अपने वर्क ऑफ स्टाइल की वजह से और जो है वो अपने नई टेक्निक की वजह से. टुडे वी डिस्कस मेन पॉइंट्स, इंस्पिरेशन, फेमस आर्टिस्ट, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिज्म, ओरिजिन ऑफ क्यूबिज्म एंड फेजेस ऑफ क्यूबिज्म. मेन इंस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, इंस्पिरेशन फॉर क्यूबिज्म वाज पोस्ट इंप्रेशनिज्म, पॉल गोगेन, पॉल सुजेन एंड अफ्रीकन इन्फ्लुएंस. फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस मूवमेंट आर पेब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रॉक, जॉन ग्रिस, एल्बर्ट ग्रिस, जीन मार्टिनसन. इंट्रोडक्शन. Cubism is an early 20th century movement which took a revolutionary new approach to representing reality. Invented in around 1907 by artists Pablo Picasso and George Braque. The pair brought different view of subject, usually object or figures, together in a same picture. The result was paintings that appear fragments and abstract. अब ये क्या था कि क्यूबिज़म जो था वो एक 20th century की मॉडर्न एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, जिसमें जो था पेब्रो पिकासो और जॉर्ज ब्राक ने जो था एक कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फिगर जो था वो एक एज अ सब्जेक्ट मैटर जो थे उसको वो लेके आए थे. वो इन चीज़ों को डायरेक्ट दोनों को इकट्ठा पेंट करते थे इन अ कम्पोजिशन, और यही जो चीज़ थी एक वो थी एक डिफरेंट सब्जेक्ट था उस टाइम पे लोगों के लिए, आर्टिस्ट के लिए. और वो उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही था, फ्रेगमेंटेड था, तो हमें जो पेंटिंग थी एक हमें बहुत ही एक मिक्स मैच सा जो है वो कोलाज टाइप जो है वो नज़र आती थी. सिर्फ इस इमर्जेंस ओवर 100 years अगो, क्यूबिज्म हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द मॉडर्न मूवमेंट मोस्ट फेमस एंड फैसिनेटिंग आर्ट मूवमेंट. के इट्स बीन 100 years के जब क्यूबिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, बट टिल नाउ क्यूबिज्म इज़ वन ऑफ द फेमस एंड फैसिनेटिंग मूवमेंट आर्ट मूवमेंट मॉडर्न आर्ट मूवमेंट. Cubism is closely associated with iconic artists like Pablo Picasso, whose avant-garde approach to everyday subject matters turned art history on its head. अब ये था कि उनके जो पेब्लो पिकासो जो थे वो बेसिकली मेन फिगर थे क्यूबिज़म मूवमेंट के, तो उनके जो एवरीडे सब्जेक्ट मैटर थे वो उन्होंने बहुत ही एक अलग अंदाज में जो है वो पेंट किए थे, फीचरिंग फ्रैक्चर्ड फॉर्म एंड टॉपसी टर्मसी कंपोजिशन. क्यूबिज़म अबैंडन्ड द फिगरेटिव पोर्ट्रेल फाउंड इन द जर्नी ऑफ आर्ट एंड मूव टूवर्ड टोटल एब्स्ट्रैक्शन. अब ये था कि वो जैसे कि हमें पहले हमने आपने देखा कि फोविज़म में भी था या पोस्ट इंप्रेशनिज्म में था या इंप्रेशनिज्म में था जो एक फिगर पेंट कर रहे थे वो लोग, तो एक हमें एक फिगर की एक जो था ना आउटलाइन नज़र आती थी, प्रॉपर फिगर की आउटलाइन नज़र आती थी. लेकिन पेब्लो पिकासो ने क्या किया कि उसको जो था वो टोटली एब्स्ट्रैक्शन में जो है वो ले गए. This aspect along with its unique evolution and lasting influence had made cubism one of the 20th century most celebrated forms of art. ये यही वजह थी जो जब उन्होंने figures को अपने objects को जो है वो abstractly shapes में जो है वो divide किया, यही एक उनका main feature था इस movement का. Due to this broad emphasis on more abstract qualities and symbolic meaning, post-impressionism can encompass sub-movements such as neoclassicism, symbolism, colonialism and क्योंकि यही वो मूवमेंट्स थी जो उस टाइम पे जो थे वो काम कर रही थी और जो है वो उस चीज़ पे जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया. मेन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टाइल था, यूज सिंपल शेप्स इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दी, इग्नोर कलर इन बिगनिंग, लैक्स एलिमेंट ऑफ लाइट, एटमोसफेयर एंड स्पेस, गेव डेप्थ एंड रिचनेस बाय ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स, रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस, रियलिटी ऑफ फ्लैट सर्फेस.
ओरिजिन ऑफ क्यूबिज्म, ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये लेट 20th सेंचुरी में जो थी वो मूवमेंट आई थी. क्यूबिज्म इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टाइल ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द नेम सीम टू बी हैव ड्राइव फ्रॉम अ कमेंट मेड बाय द क्रिटिक लुइस हु ऑन सीइंग सम ऑफ ब्रॉक पेंटिंग एग्जिबिटेड इन पेरिस इन 1908 डिस्क्राइब देम एज रिड्यूसिंग एवरीथिंग टू ज्योमेट्रिक आउटलाइन टू क्यूब्स. कि जो था एक आर्ट क्रिटिक था लुइस, उसने जो था वो जब जो जॉर्ज ब्राक की पेंटिंग्स देखी एग्जीबिशन में, तो उसने क्या कहा कि दिस पेंटिंग आर रिड्यूसिंग एवरीथिंग टू ज्योमेट्रिकल आउटलाइंस टू क्यूब्स. बेसिकली ये जो है आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है जब ज्योमेट्रिक फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं तो ये वो मूवमेंट जो है वो बनती है. बाय ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट एंड फिगर डाउन इन टू डिस्टिंक्ट एरियाज और प्लान्स द आर्टिस्ट एम टू शो डिफरेंट व्यू पॉइंट एट द सेम टाइम एंड विद इन द सेम स्पेस एंड देयर फोर्स जस्ट देयर थ्री डायमेंशनल फॉर्म. अब ये क्या था कि जब वो अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो डिफरेंट शेप्स में जो थे वो डिवाइड करते थे और डिफरेंट पॉइंट व्यू पॉइंट्स दिखाते थे, लेकिन वो क्या थे कि वो सेम कैनवस पे ही सारी चीज़ें हो रही थी, तो एक जो इनका एक फाइनल इम्पैक्ट था वो बहुत ही डिफरेंट आता था. In doing so, they also emphasize on the two-dimensional flatness of the canvas instead of creating the illusion of depth, which was typically the norm. अब ये था कि basically जो काम हो रहा था कि एक illusion of depth create करते थे, perspective create करते थे, लेकिन इन्होंने जो था उस चीज़ को जो है वो reject कर दिया. This was a marked break with the European tradition of creating the illusion of real space from a fixed viewpoint using device such as linear perspective which had dominated from the Renaissance onward. अभी तक कि उस टाइम पे जो काम था उसमें ये था कि यूरोप एक ट्रेडिशनल फॉलो करते थे लीनियर पर्सपेक्टिव का एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए जो कि रेनेसांस से चलता आ रहा है, लेकिन जो था वो क्यूबिज्म ने जो है इस चीज़ को जो है वो ब्रेक किया. द मूवमेंट ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विजुअल रियलिटी इन आर्ट एंड वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैनी लेटर एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टिविज्म एंड न्यू प्लास्टिसिज्म. अब ये जो था कि आर्ट स्टाइल ये आगे आने वाली मूवमेंट जैसे कि कंस्ट्रक्टिविज्म और न्यू प्लास्टिसिज्म था उनकी जो है वो बेस बना. हम अब ये था कि इसमें कुछ फेजेस थे क्यूबिज्म के. अब वो फेजेस क्या थे, वो थे प्रोटो क्यूबिज्म, एनालिटिकल क्यूबिज्म एंड सिंथेटिक क्यूबिज्म. प्रोटो क्यूबिज्म, बिफोर द मूवमेंट वॉज अंडर वे बोथ पिकासो एंड ब्रॉक अप्लाइड एलिमेंट of the soon to be style to their respective genre. अब ये क्या था कि जब वो ये उस टाइम की बात है जब ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था क्यूबिज्म जो था कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटेशन एलिमेंट्स के साथ जो वो नई नई जो है बराक और पिकासो ने जो है वो स्टार्ट की थी. This fascinating transition into cubism is especially apparent in two of their work, Les Demoiselles एंड वेडिकेट एस्टेक. अब ये जो था मेन जो थी ये चीज़ जब ब्रेक डाउन ऑफ सब्जेक्ट इन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स जो था इनकी नज़र आए, ये इनकी दो फेमस पेंटिंग में पिकासो और बराक की. पेब्लो पिकासो की ये पेंटिंग थी जो कि क्यूबिज्म स्टाइल का जो था वो इनिशिएटिव बनी थी. आपको नज़र आ रहा होगा कि फीमेल फिगर की जो है वो बहुत ही कटेड फॉर्म हमें नज़र आती है, एक वो जो स्मूथनेस होती है उसकी लेग्स की वो भी कटेड फॉर्म में है और उसका हमें एक जो एक पर्सपेक्टिव हमें पहले नज़र आता था वो नहीं, एक फ्लैट चीज़ हमें जो है वो नज़र आ रही. इसी तरह से जॉर्ज ब्राक की ये वाली पेंटिंग थी कि उसने हाउसेस को वो किस तरह से जो है वो कट डाउन करके वो जो है वो पेंट किया था. एनालिटिकल क्यूबिज्म की जब हम बात करते हैं, द फर्स्ट ऑफिशियल फेस ऑफ द मूवमेंट इज नाउ नोन एज एनालिटिकल मूवमेंट. जो एनालिटिकल क्यूबिज्म है वो उस टाइम पर वो था कि जब एक वो स्टाइल उनका जो है वो डिवेल्प हो गया था. This period lasts from 1908 through 1912 and is characterized by aquatic painting of fragmented subject tendered in neutral tones. अब ये था कि इसमें जो काम था उसमें जो था वो उनका टेक्निक तो वही थी, लेकिन जो उनकी कलर पैलेट थी वो बहुत ही न्यूट्रल कलर्स में थी. द फ्रैक्चर्ड फॉर्म ऑफ एन ओवरलैप विद वन एंड अदर डिस्प्ले द सब्जेक्ट फॉर मल्टीपल परस्पेक्टिव एट वंस. अब ये था कि उस टाइम पे जो था वो ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग करते थे. एक जैसे हम कोलाज की फॉर्म देखते हैं तो वो उस तरह से वो एक जो है वो परस्पेक्टिव क्रिएट करने के लिए वो जो थे वो मल्टीपल परस्पेक्टिव क्रिएट करने के लिए वो चीज़ जो है ओवरलैपिंग को यूज़ करते थे. पिकासो ऑल्सो अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल क्यूबिज्म इन हिज स्कल्पटिंग प्रैक्टिस कल्मिनेटिंग इन अ कलेक्शन ऑफ बस्ट एंड फिगर्स दैट एम्फसाइज द फेस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू पर्सपेक्टिव.
At this time, other artists interested in the avant-garde joined Picasso and Braque, including Spanish painter John Bris. Bris would go on to become another well-known cubist painter, particularly known of his role in synthetic cubism. अब ये था कि जब उन पिकासो और पिकासो ने जो था वो उसका सिर्फ पेंटिंग में नहीं, उसने अपने स्कल्पचर में भी उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम जो है एक पोर्ट्रेट को जो फिगर को जो है हम शेप्स में डिवाइड करते तो किस तरह से उसका क्या पर्सपेक्टिव क्या जो है वो हमें नज़र आते क्या इम्पैक्ट नज़र आते तो वो इस तरह से जब जो थे आगे जो इंस्पायर हुए इसके काम से वो जॉन ग्रीस से जो कि पिकासो और ब्रॉक के काम से इंस्पायर हुए उन्होंने भी इसको क्यूबिज्म को जो है वो ज्वाइन किया. अब ये वो पाब्लो पिकासो का वो हेड ऑफ अ वूमेन जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पेंटिंग से हट के. आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से एक कटेड फॉर्म और डिवाइडेड जो है हमें चीज़ जो है वो नज़र आती है. इस तरह से ये जॉन ग्रीस का काम है पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो के. उन्होंने ओवरलैपिंग से और देखें आपको जो है वो ओवरलैपिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हर एंगल से जो है वो हमें जो है वो डिफरेंट एंगल जो है वो नज़र आते हैं. एक डेप्थ भी क्रिएट की है लेकिन एक हमें फ्लैट सर्फिस की जो फीलिंग भी जो है वो आती है. जो लास्ट हमारी आती है जो थर्ड फेज आती है क्यूबिज्म की वो आती है सिंथेटिक क्यूबिज्म. सिंथेटिक क्यूबिज्म इज़ अ मूवमेंट सेटिंग सेकेंड फेज इमर्जिंग इन 1912 एंड लास्टिंग अंटिल 1914. ड्यूरिंग दिस टाइम पिकासो ब्रॉक ग्रीस एंड अदर आर्टिस्ट सिंप्लीफाइड देयर कंपोजिशन एंड ब्राइटन देयर कलर पैलेट. अब ये क्या था कि पहले जो थे वो एनालिटिकल क्यूबिज्म में जब हमने देखा आपने देखा कि बहुत ही कम्प्लेक्स जो थी एक जो फॉर्म्स थे वो क्रिएट करते थे कैनवस के ऊपर. बहुत ज़्यादा जो है हमें कम्प्लेक्सिटी जो है वो शेप्स की नज़र आती थी. सिंथेटिक क्यूबिज्म में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो थी ना शेप्स को जो सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया अपने कैनवस को जो है वो सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया. और जो कलर पैलेट जो थी वो एनालिटिकल में जो थी वो न्यूट्रल कलर यूज़ करते थे लेकिन सिंथेटिक में उन्होंने क्या किया कि अपनी कलर पैलेट जो थे वो ब्राइट कलर की तरफ जो है वो लेके गए. सिंथेटिक क्यूबिज्म शोकेसेस एन इंटरेस्ट इन स्टिल लाइफ डिपिक्शन रेंडर्ड एज आइदर पेंटिंग एंड कोलाज आर्ट. मेरा था कि इसमें जो था उन्होंने जो थे वो स्टिल लाइफ एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी स्टिल लाइफ पे ताकि उसको जो है वो उसको क्यूबिज्म स्टाइल में जो है वो पेंट करना शुरू कर दिया. अब जॉन ग्रीस की जैसे आप लोग ये पेंटिंग देखें हैं स्टिल लाइफ विद बोडॉक्स बोटल्स. अब ये आपको एक अगर हम फर्स्ट उसमें देखें तो हमें एक कोलाज की फीलिंग आती है. अब उन्होंने जैसे पहले आपने इनकी पेंटिंग देखी एक पोर्ट्रेट ऑफ पिकासो तो वो कितनी कम्प्लेक्स थी उसमें कितनी एक अलुयन सी फील हो रही थी एक डेप्थ आ रही थी कि इतनी ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ शेप्स थी इतनी ज़्यादा डिविजन ऑफ शेप्स थी. लेकिन इस वाले में जो है हमें थोड़ी सी सिंप्लीफाई चीज़ें होती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं. इसी तरह से जॉर्ज ब्राक की ये रम एंड गिटार जो है ये उनकी पेंटिंग है उसमें भी थे उन्होंने सिंप्लीफाई किया जो अपनी शेप्स को था वो उन्होंने जो था वो डिवीजन उस तरह से की कि बहुत ही सिंप्लीफाई जो है वो होता गया. ठीक है ये काम था कि हमें उनका काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंप्लीफाई होता हुआ नज़र आ रहा है. अब ये जिस तरह से ये पाब्लो पिकासो का है उन्होंने हेड. अब ये था कि अब आपने इन सारे काम से ये देखा होगा कि जो उनका अपना एक स्टाइल जो अब तक है एक मॉडर्न मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि क्यूबिज्म एक मॉडर्न मूवमेंट थी जिसने जो था एक फिगरेटिव जो हमें एक स्टाइल देखने को मिलता था अगर हमें एक स्पेसिफिक एक फिगर देखने को मिलती थी जो एक विजुअल था हमारा फिगर को लेके या चीज़ों को लेके स्टिल लाइफ को लेके तो जो था क्यूबिज्म ने उस पूरे जो था उस चीज़ को जो है वो चेंज कर दिया. उन्होंने जब शेप्स में ज्योमेट्रिकली उसने डिवीजन किए ऑब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स की तो वो हमें एक बिल्कुल एक न्यू चीज़ जो है एक एडवांस्ड मॉडर्न चीज़ जो है वो देखने को नज़र आई. अब हम बात करेंगे इनके आर्टिस्ट की. पाब्लो पिकासो जो है वो फादर फिगर हैं इस मूवमेंट के. पाब्लो रुइज़ पिकासो वॉज अ स्पेनिश पेंटर स्कल्प्टर प्रिंट मेकर सेरामिस्ट स्टेज डिज़ाइनर पोइट एंड प्ले राइटर हु स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज अडल्ट लाइफ इन फ्रांस. रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी ही इज़ नॉन फॉर को फाउंडिंग ऑफ क्यूबिस्ट पेंट मूवमेंट द इन्वेंशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव स्कल्पचर एंड को इन्वेंशन ऑफ कलाज एंड फॉर द वाइड वराइटी ऑफ स्टाइल्स डेट आर हैव डिवेल्प एंड एक्सप्लोर.
क्या था कि वो को फाउंडर इसलिए बोला कि जॉर्ज बराग भी जो थे वो इनके साथ जो है, ये दो जो हैं वो फाउंडर माने जाते हैं क्यूबिज्म मूवमेंट के। फिर जो थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्कल्पचर, कंस्ट्रक्टिव स्कल्पचर था, क्योंकि जो एक हमें बहुत ही पहले एक रिफाइंड चीज़ स्कल्पचर में देखने को मिलती थी, इन्होंने क्या था उसको एक कंस्ट्रक्टेड के शेप्स में जो था डिवाइड करके जो थी वो स्टार्ट कर दिया। एक कोइन्वेंशन ऑफ कलाज की हमें एक जो है वो नज़र आती है कि जैसे आपने जॉन गिस के एक वो उसमें देखा स्टील लाइफ विद बोतल में, कि वो एक हमें कोलाज की फील आती है, तो वो भी एक कोलाज की जो चीज़ है आज हमें स्टाइल नज़र आता है, तकनीक नज़र आती है, वो भी जो थी वो क्यूबिज्म से जो है वो स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट इज मोस्ट फेमस वर्क आर द प्रोटो क्यूबिस्ट लेस्ली मंस एंड जॉनिका ड्रामेटिक पोर्ट्रेट ऑफ मॉमी ऑफ जेनिकल बाय द जर्मन एंड इटालियन एयरफोर्स जूनियर स्पेनिश। अब जो थे वो क्योंकि प्रोटो क्यूबिस्ट थे, क्योंकि वो अभी स्टार्ट था, जैसे लैंड डिमोस हमने देखी है कि वो फीमेल फिगर को जो इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया। पिकासो डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्ट टैलेंट इन हिज अर्ली ईयर्स, पेंटिंग इन एन नेचुरलिस्टिक मैनर थ्रू हिज चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी हिज स्टाइल चेंज एज ही एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट थ्यूरीज, टेक्निक एंड आइडिया। कि जो था कि वो पहले जो थे वो उसी चीज़ पे काम करते थे जैसे और बाकी आर्टिस्ट काम करते थे, लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी में मॉडर्न मूवमेंट्स आ रही थी तो उन्होंने एक अपना स्टाइल जो था वो डिवेल्प किया क्यूबिज्म की फॉर्म में। पेब्लो पिकासो वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई अफ्रीकन ट्राइबल मास्क विच आर ऑफन हाईली स्टाइलाइज एंड नॉन नेचुरलिस्टिक बट स्टिल प्रेजेंट अ विविड ह्यूमन इमेज। कि जब भी हम अफ्रीकन ट्राइबल मास्क की बात करते हैं तो उसमें भी हमें ये चीज़ जो है वो ज्योमेट्रिकल ब्रेकडाउन जो है वो मिलता है, तो वो पिकासो के लिए एक इंस्पिरेशन वो भी रही थी कि किस तरह से जो है वो नॉन नेचुरलिस्टिक होके लेकिन एक बहुत ही हाईली स्टाइलाइज चीज़ है वो हमारे सामने आती है। फेमस फॉर सिंगली री अरेंजिंग द फेशियल फीचर ऑफ हिज सब्जेक्ट, पिकासो वंस सेड, अ हेड इज अ मैटर ऑफ आईज, नोज, माउथ, विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी वे यू लाइक। कि उनका जो मानना था कि हमारे जो आँखें हैं, नोज़ है, माउथ है, ये हमारे पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स हैं हमारे हेड के, लेकिन हम इसको किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन आर वर्क ऑफ आर्ट, इन आर पेंटिंग। ठीक है, अब जैसे ये देखें बस्ट ऑफ अ मैन, ये उनके प्रोटोटाइप की प्रोटो क्यूबिज्म की पेंटिंग है जब उन्होंने जो थे ना क्यूबिज्म स्टार्ट किया था। इस तरह से थ्री वुमेन अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सिंथेटिक क्यूबिज्म की है। ये वाली पेंटिंग जब आप देखते हैं तो ये एनालिटिकल और प्रोटो क्यूबिज्म की है, जिसमें जो एक न्यूट्रल कलर पैलेट आपको नज़र आती है, लेकिन जो ये वाली है ये सिंथेटिक क्यूबिज्म फेज की है, जिसमें जो था उन्होंने शेप्स को जो है वो सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद उन्होंने अपनी कलर पैलेट जो थी वो ब्राइट कलर्स की तरफ जो है वो गए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जॉर्ज प्राग। जॉर्ज प्राग वॉज अ की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ क्यूबिज्म। इनफैक्ट द आर्टिस्ट वर्क बिटवीन 1908 एंड 1912 इज सो क्लोजली एसोसिएटेड विद हिज कोलीग पिकासो। कि ये दो जो थे जो अलॉन्ग साइड जो थे वो काम कर रहे थे क्यूबिज्म के ऊपर। ठीक है, अनफॉर्चुनेट ड्यू टू ब्रॉक क्विट नेचर द फेम जो था वो अब जो था इनका जो काम था वो क्लिप्स हो गया। जॉर्ज ब्रॉक वॉज अ मेजर 20th सेंचुरी फ्रेंच पेंटर, कोलाजिस्ट, ड्राफ्टमैन, प्रिंट मेकर एंड स्कल्प्टर। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ आर्ट वर इन हिज अलायंस विद फोविज्म फॉर 1905 एंड द रोल ही प्लेड इन द डिवेलपमेंट ऑफ क्यूबिज्म। कि फोविज्म में जो था इन्होंने जो था वो काम किया, लेकिन जो मेन इनका मेजर रोल तो जो था या मेजर डिवेलपमेंट था या मेजर स्टाइल तो था वो क्यूबिज्म में जो है वो आता है। बराक कंडक्ट एन इंटेंस स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड परस्पेक्टिव एंड द टेक्निकल मीन नेट पेंटर यूज टू रिप्रेजेंट दीज इफेक्ट्स सीमिंग टू क्वेश्चन द मोस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आर्टिस्टिक कन्वेंशन। कि इनके अंदर जो ज़्यादा फोकस था वो क्या था कि लाइट और परस्पेक्टिव पे था, टेक्निक्स पे था इनका ज़्यादा फोकस जो था। In 1908 a French critic once described his work as reducing everything, places and figures and houses to geometrical schemes to cubes। इनका जो था कि उन्होंने एक उनके आर्ट को इस तरह से उनके जो स्टाइल को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि फिगर्स को, प्लेसेस को, हाउसेस को अगर हम ज्योमेट्रिकल ब्रेकडाउन करें उनका क्यूज़ में या शेप्स में, तो जो था वो जॉर्ज बराक का स्टाइल था।
अब जैसे ये उनके प्रोटोटाइप की है जब और एनालिटिकल टाइम पीरियड की है जब बहुत ज़्यादा शेप्स थी और न्यूट्रल कलर पैलेट थी और जो है वो इनिशियल फेजेस में थे। लेकिन ये वाली जो है आपको नज़र आ रहा होगा इसमें जो है वो थोड़ी कम्प्लेक्स है लेकिन सिंप्लीफाइड भी, पहले की निस्बत जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड है लेकिन कलर भी पहले की निस्बत जो है वो चेंज है। जॉन ग्रीस की जब हम बात करते हैं, जॉन ग्रीस जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया इस मूवमेंट को पिकासो और बराक के जो है वो बाद में। मूविंग ऑन द स्टैटिकल कार्टून ही वॉज नॉन फॉर इन 1910 ग्रीस डिवेल्प अ पर्सनल क्यूबिस्ट स्टाइल एंड कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन पेंटिंग। कि जो था इन बेसिकली जो ग्रीस जो थे वो कार्टूनिस्ट थे लेकिन जो थे उन्होंने जब बराक और जो था ना जॉर्ज ब्राक और पाब्लो पिकासो का काम देखा तो उन्होंने जो था वो क्यूबिस्ट स्टाइल जो है अपना एक डिवेल्प किया और उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि हमारी पेंटिंग में जो एक मैथमेटिकल डिवीजन है चीज़ों की, ऑब्जेक्ट की, वो कितनी जो है वो ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। इनिशियली ग्रीस पेंटिंग इन अ स्टाइल ऑफ एनालिटिकल क्यूबिज्म बट आफ्टर 1930 ही बिगेन टू लीन टूवर्ड सिंथेटिक क्यूबिज्म एंड वॉज यूजिंग कोलाज एक्सटेंसिवली। कि पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया वो एनालिटिकल क्यूबिज्म से किया लेकिन बाद में जैसे जैसे जो है वो उस चीज़ को जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बढ़ती गई, उनकी एक्सपेरिमेंटेशन जो थी उन्होंने स्टार्ट की तो वो फॉल किए सिंथेटिक में, उन्होंने एक कोलाज का जो है वो यूज़ जो था वो एक्सटेंसिवली यूज़ किया। अनलाइक पिकासो एंड ब्राक हु बोथ फेवर्ड मोनोक्रोमिक पैलेट विच पेंटेड विद ब्राइट हारमोनियस कलर इन कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन विच वर इंस्पायर्ड बाय मतीस। अब क्या था कि इन्होंने जो स्टाइल जो था अपना डिवेल्प किया, डिफरेंट आर्टिस्ट थे, इन्होंने जो था अपने ऑब्जेक्ट वाला जो स्टाइल था वो लिया पिकासो और ब्राक से लेकिन जो कलर पैलेट थी उन्होंने मतीस के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में कि हेनरी मतीस की कलर पैलेट जो थी वो कितनी शार्प कलर्स थी क्योंकि वो उनका बेसिक फोकस ही जो था वो कलर पे था। ये आपको नज़र आ रहा स्टिल लाइफ बिफोर एन ओपन विंडो के भी पहले उनके एनालिटिकल पीरियड की जो है वो पेंटिंग है, किस तरह से हमें एक कॉम्प्लेक्सिटी उस चीज़ में नज़र आती है लेकिन जो था उन्होंने अपनी जो कलर पैलेट थी वो ब्राइट ही रखी थी। इसी तरह से इनकी दूसरी ये पेंटिंग कॉफ़ी ग्राइंडर एंड ग्लास जो है, देखिए उन्होंने वही अपने हमारे डेली लाइफ से ही सब्जेक्ट उठाए लेकिन जब हम उनको जो है वो एक प्रिसाइज वे में उनकी जो है डिवीजन करते हैं, ज्योमेटिकली डिवीजन करते हैं या शेप्स में डिवीजन करते हैं या मैथमेटिकली डिवीजन करते हैं तो एक हमें बहुत ही डिफरेंट इम्पेक्ट जो है वो देखने को जो है वो नज़र आता है। और इनकी कलर पैलेट ऑब्वियसली जो है वो शार्प कलर पैलेट थी तो हमें वो ब्राइट कलर जो है वो इनकी पेंटिंग में जो है वो नज़र आते हैं। ये था सारा आज का हमारा क्यूबिज़म। क्यूबिज़म को अगर हम कंसीडर करें कि अभी तक की जो सबसे इन्फ्लुएंशियल और मॉडर्न मूवमेंट्स में से जो सबसे फेमस और पेंट मूवमेंट रही है वो क्यूबिज़म रही है, क्योंकि ये बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ आए थे। इन्होंने जो है एक हमारा जो एक नॉर्म था फिगर को पेंट करने का वो बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट करते हुए जो था वो शेप्स में कन्वर्ट करे, शेप्स में इन्होंने ज़्यादा काम किया, इन्होंने कलर पैलेट पर अपने पे काम किया, अपने फेजेज़ में देखा होगा किस तरह से डिवेलपमेंट आती, किस तरह से एक मूवमेंट स्टार्ट होती है और फिर वो अपनी एक डिवेलपमेंट के पॉइंट पे जाती है। आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।